सो गाइस अभी मैं आ रखा था रिलायंस डिजिटल पे। क्यों आ रखे थे? क्योंकि अब मेरे भाई का जो फ़ोन है ना आईफोन 11 है उसका, तो वो जो है थोड़ा सा पुराना हो गया। आपको पता ही 11 कब आया था, 15 चल रहा है, 4 साल हो गए हैं। पर उसके हाथ में जो है उसको 2.5 साल ही हुए हैं, पर उसने ऐसी तैसी कर दी थी पूरे फ़ोन की। तब उसको नया फ़ोन लेना है, तो पापा ने कहा एक बार रेट पूछे यहाँ पे, 13 या 14 के रेट देख रहे हैं हम, क्योंकि 15 तो ज़्यादा महंगा पहुँच जाएगा, तो उसके चक्कर में 15 हम ले नहीं रहे। तो खाली 14 और 13 के रेट पूछने आया था मैं, तो 14 जो था हमारा पड़ रहा था 65 का, और वैसे जो ऑनलाइन दिखा रहा है 69 दिखा रहा है रिलायंस पे, तो आ रहा होगा थोड़ा सा क्योंकि रोड पे हूँ मैं, तो उसमें जो पड़ रहा था 69 का पड़ रहा था और इसमें 65 का पड़ रहा है। और जो पापा ने वैसे स्टोर से पूछा है नॉर्मली, तो उस पर 60 तक का पड़ जाएगा, और फिर जो भाई का फ़ोन है वो रिप्लेस भी हो जाएगा, तो थोड़ा सही पड़ जाएगा। 15,000 तक का उसका 11 चली जाएगा जितना मेरे को लग रहा है, क्योंकि सब सही है उसमें, सिर्फ उसकी बैटरी हमने चेंज कराई थी और उसका बैक पैनल थोड़ा टूट गया था तो वो चेंज कराया था, तो 15 तक का वो भी चल जाएगा। अभी मैं यहाँ चेक करने आया था तो महंगा लगा। अब या तो विजय सेल्स में देखते हैं एक बार, क्योंकि विजय सेल्स में 61 का प्राइस आ रहा है 14 का, तो बाकी पूछते हैं अगर उससे कुछ बेस्ट हो जाए तो। एक तो भाई हॉर्न बहुत मारते हैं लोग। चलो यहाँ से चलते हैं, आपको बाद में मिलता हूँ मैं। गाइस हमारे यहाँ ना थोड़ा प्रोग्राम चल रहा है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम है। हाँ भाई, किसका मूड बन रहा है अब? किसका मूड बन रहा है? कौन सा लेने का मन है? दुकान पे जाके दिखाएंगे अगले पार्ट या फिर इसके एंड में? ना अगला पार्ट क्यों, इसी पार्ट में दिखाएंगे, इतना लंबा ब्लॉग थोड़ी करना। चलो भाई शॉप पे चलते हैं। आदित्य मॉल जो है ना, आदित्य मॉल के वहीं पे एक पुरानी शॉप है, मैंने उनसे अपना आईफोन 10s जो था वो ठीक करवाया था, तो उन्हीं से पापा ने पूछा था, तो उन्होंने कहा मिल जाएगा। कितने का कह रहे थे पापा? 60 का। देखो मजाक पता लगे कितने का देते हैं एक्यूरेट। एक्यूरेट नहीं बताना, तो वहीं जाके पूछेंगे एक बार कि कैसे क्या क्या भी हो सकते हैं फोन में। फोन में भी चेंज मॉडल वो नहीं होता, उसका दूसरा मॉडल ले लें। 13, 14, 15, 16 आया नहीं है। तो गाइस चलो चलते हैं शॉप पे। सुबह गाइस पहुंच चुके हैं और हमारी जो शॉप है वो पड़ेगी सामने की साइड, वहाँ की साइड, यहाँ से एंट्री लेंगे हम अंदर, तो इसको टापते हैं भी और चलते हैं। यहाँ पे जो है ना सारी फ़ोनों की शॉप ही हैं, पर हमारा जो मेन काम है वो है अंदर की साइड मॉल में। यहाँ से लेते हैं एंट्री, ये रहा, यहाँ से एंट्री लेंगे। और फिर पहले इनकी शॉप ये सामने हुआ करती थी, जो ये केयर वाला लिख रहा है ना आपको, जो केयर लिख रखा है यहाँ पे हुआ करती थी, पर अब चेंज हो गई, अब अंदर ढूंढनी पड़ेगी, कॉल करते हैं। सो गाइस ये मेरी शॉप, ये वाली शॉप है। गाइस अभी जा रहा हूँ मैं एक जगह जहाँ पांडे है ना, वहाँ पे पकड़ी भाई, इसको रख ले संभाल के। वहाँ पर एक बंदा है ना, वो ना सस्ते, वो सस्ता कह रहा हूँ, वो अच्छे रेट दे देगा। हाँ तो उसके चक्कर में मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैंने एक बार अपने फोन का पूछा था, वो कह रहे थे कैशिफाई पे जितना रेट आएगा उतना ही दे दूंगा पूरा आपको। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, एक बार वहाँ पे पूछ के आ जाते हैं, उनको कंडीशन दिखाते हैं फोन की और फिर लेके आते हैं, मतलब हो जाएगा तो कुछ वहीं पे चलते हैं, पहले उनके पास चलते हैं। चलो गाइस रिक्शा मिल चुका है भैया, भगा रहे फुल एकदम, भागते हुए बढ़िया है ये रिक्शा एकदम। हम बैठ गए, पिकअप जाता था टॉर्क। चलो गाइस अभी पूछ के आते हैं, ये देखो। सो गाइस ये वही वाले भैया जो आपने देखे थे ना टेम्पर्ड में, अब मैंने इनको हो गई हमारी डील, तो आप भी आ सकते हो भाई ये वाली शॉप पे, ये पांडे के साइड में एकदम बढ़िया हमारा। तो भैया एकदम सही से रेट दे देते थे टेम्पर्ड के भी और फोन के भी, बढ़िया लगा दिए इन्होंने, उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया। गाइस ये हमारे रिक्शे वाले भैया और भैया, हेलो, सब बढ़िया? ये हमारे आज के, हाँ ईमानदार, हमने भैया से कहा था रुक के रहना भैया, भैया यहीं रुक रखे हैं अभी तक। चलो गाइस इसकी डील डन हो गई है और भैया ने जो कहा था मैं आपको बताता हूँ भाई, हो रहा है कि अब सुबह ही लेंगे फ़ोन, सुबह देंगे, अभी वहाँ से उठा लेते हैं फ़ोन, उसमें डाटा वाटा ट्रांसफ़र कर लेंगे, सुबह आके इनसे ऑनलाइन या कैश जैसे भी बनता है फिर वो वाली पेमेंट ले लेंगे, तो अभी ऐसा सीन हो रहा है। अब चलते हैं वापस, हैवी डेट तो आ गए हैं, मॉल तक पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा सब। चलो भैया ओके, 30 है, 30 ले लो यार, अब तो आप YouTube पे भी आओगे यार रात में। अली जा रहा था, नहीं जा रहा था, दो सवारी होगी, 2 मिनट में मिला तो सवारी, लेकिन 2 मिनट में 2 सवारी का हो गया ना, हो जाएगा पहले में 40 है। चलो रुक जाओ। सो भाई ये वाला फोन हमने कर दिया, अब इसको सुबह देखेंगे। अब हमारा भाई ने ले लिया 15, भाई कर दे अनबॉक्सिंग, इसने वो हटा दिए थे रैपर, अब ये हटेगा।
वो भाई पहली बार करने वाला। कहाँ जा रहे हो? आ गया मजा। ऑन कर भाई, डायनेमिक आइसलैंड इस वाले मॉडल में। ये राइस भी दे दो। आ गया आ गया। कैसा लग रहा है? अच्छा, कलर बढ़िया है इसका और हल्का भी बहुत है। बहुत ज्यादा है, उसके बाद तो बहुत हल्का लगता है। हेलो, नमस्ते, बैटरी दे दे। नमस्ते, बैटरी के तुम्हें कर अनबॉक्स कर, मतलब वो कर सॉरी अनलॉक स्वाइप इंग्लिश सेकंड। चलो गाइस अब हम इसको सेटअप करते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। भैया भी टेम्पर लगा रहे हैं, लगाओ अंकल लगा दो। लग गया गाइस, लगा दिया अंकल। गाइस ये शॉप है फाइनली जो है आई वर्ल्ड। ये जैसे हम आदित्य मॉल के गेट से घुसते हैं ना तो आपको यहाँ पे भैया मिलेंगे। भैया आपका नाम क्या है? अरुण। तो भैया के पास आप आ सकते हो, सारे फ़ोन अवेलेबल होंगे आपके पास है ना? अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएंगे आपको, सारे एसेसरीज भी है फ़ोनों की। और अगर आपको सेकेंड हैंड बेचना है तो भैया वो भी ले लेते हैं। अब इसके करते हैं, थोड़ा सा इसको कर देते हैं आगे का प्रोसेस। देखो भाई जब डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, इसमें साइनिंग हो गया देवी के ने एप्पल आईडी से, इसमें सब कुछ अब रिस्टोर हो रहा है इस वाले फ़ोन में, इस 11 से 15 में। क्या बातें कर रहे हो, कैसा लग रहा है तू, ये तो बता। अच्छा अच्छा गाइस अब इसमें हो चुके ट्रांसफरिंग स्टार्ट प्रॉपर वाली, अब आ रहा है इसमें सारा डाटा। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। सो गाइस ये देखो दो दो फोन इसके हो गए भाई, बढ़िया। सो गाइस अब चल रहे हैं फाइनली घर चल रहे हैं। सब दो दो हो गए इस पे, अब इसको कल चले जाएगा, गुड बाय हो जाएगा इसका कल। भाई ये वाली शॉप है, आप आ सकते हो, चलते हैं। ओके भैया बाय बाय। ये रहे हमारे केस, इसको ले लेते हैं। चल लाइट आएगी ना शाइनिंग में, देखो ये लो, बता देना इसका मेरे को जाएगा तो बता दो। चल भाई सब ये, अरे ये केस पकड़ ले, आ जा। क्या हो गया भाई? सो गाइस ये रही हमारी महिंद्रा, हम पहुंच चुके हैं। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, कौन कहता है टोयोटा के बोनेट नहीं खुलते। देखो भाई वो टोयोटा के बोनेट खुल रखे हैं। हाँ भाई टोयोटा लवर्स टोयोटा के बोनेट नहीं खुलते। लोग कहते थे लाइट जला भाई एक बार जल्दी से, भाई वो लाइट सेट कर रहा है आगे देखो, लाइट सेट नहीं कर रहा, इतनी सारी औरतें खड़ी हैं उनकी गाड़ी के पास। इसका मतलब टोयोटा इस भाई बेकार है अब टोयोटा, मैं पहले कह रहा था अपने आप लाइट सेट नहीं है गाइस, बेकार है टोयोटा, मत लेना अभी महिंद्रा लो बेस्ट। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं, मैं तो जा रहा हूं घर और देवे जा रहा है अपना फ़ोन का कवर लेने। बढ़िया बढ़िया, लो ये केस मैं रख लेता हूँ, अब चलते हैं ऊपर। मैं आपको इसका केस भी दिखाता हूँ कैसा है, मतलब जब ये लेके आएगा तब। चलो भाई अच्छा वाला लेके आई, सिलिकॉन मत लेके आई, देखता हूँ ठीक है, जो पसंद है सिलिकॉन भी ले सकता हूँ। बढ़िया फोटो भेज दियो। चल। सो गाइस ये आ चुका है इसका नया फ़ोन, बढ़िया इसने लिया ट्रांसपेरेंट कवर, थोड़ी सी नई थोड़ा सा नई नई फील आ जाए इसलिए। और ये इसका पुराना, इसका सब कुछ हो चुका, मैंने टेम्पर वेम्पर सब उतार दिया, एकदम परफेक्ट स्मूथ सा लग रहा है पकड़ने में, पकड़ियो। और ये हमारे पुराने डिब्बे भाई, ये मेरा प्ले स्टेशन का डिब्बा है जिसके अंदर हमने सब रख रखा, पर अब इसकी मैंने ऐसे कंपास मार मार के हालत खराब कर दी थी, अब इसके अंदर एक नया मेंबर ऐड हो चुका है। अब इसको यहाँ रखेंगे, ये 12 प्रो, ये 15, ये 14 प्रो और ये S22 अपना। ये चार फोन बढ़िया बढ़िया है, ये ओप्पो ओप्पो हुए थोड़े से ऐसी पड़े रहते हैं ये चीजें। चलो गाइज अब इसको मैंने सेटअप तो कर दिया पूरा अच्छी तरीके से। और गाइज अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता है ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन के लिए बाय बाय गाइज। अब कल भी व्लॉग आएगा, अभी दो दिन से व्लॉग नहीं आ रहे थे, थोड़ा मैं बिजी चल रहा था उसकी वजह से। तो गाइज अब कंटिन्यू व्लॉग आएंगे, अगर आपका व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे मिलता है ऐसी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।